तो दोस्तों अगर आप Realme का मोबाइल यूज़ करते हैं तो Realme के मोबाइल में एक प्रॉब्लम देखने मिलती है, जैसे अगर आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करते हैं तो पावर बटन को प्रेस करने के दौरान आपका मोबाइल यहाँ पे स्विच ऑफ नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाता है, ये फीचर आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको पावर ऑफ करना है तो सिंपली क्या करना पड़ता है, पावर बटन और वॉल्यूम जो अप बटन है इसको प्रेस कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे पावर ऑफ और रिबूट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि पावर बटन में अगर आपका गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाता है और पावर ऑफ ऑन वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो उसको कैसे आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडिशन सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और एडिशन सेटिंग पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में नीचे में जाना है, नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा पावर बटन का, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट इनेबल रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, दो ऑप्शन मिलेंगे पावर मेन्यू का और वॉइस असिस्टेंट का। आपका अगर वॉइस असिस्टेंट में इनेबल किया हुआ है तो आपको क्या करना है, पावर मेन्यू में इसको इनेबल कर लेना है। तो इस प्रकार से सेट आपको यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ, सेट कर लिया हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर मेनू आ चुका है। और उसके बाद अगर होम स्क्रीन में जाइएगा और देन उसके बाद फिर से आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, तो पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपको रिबूट का ऑप्शन देखने मिलेगा और पावर ऑफ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।